ओके स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज अपना जो चैप्टर का नाम रहेगा वो क्लॉक रहेगा, यानी कि जिसको हिंदी में घड़ी बोलते हैं। यहाँ पर हम डिजिटल घड़ी की बात नहीं करेंगे, इस वाली घड़ी की बात करेंगे जो आपने देखा होगा दीवार के अंदर लगी हुई होती है अपने घर के अंदर भी, है ना। डिजिटल वॉच की बात नहीं कर रहे, इस वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर इसी वाले क्लॉक से क्वेश्चन पुटअप होता है, ना कि डिजिटल वाले से, है ना। यहाँ पर हम उसकी ट्रेन वाले टाइम की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर टाइम रहेगा जो अपना रहेगा 12 से वापस 12 बजे तक का, इतना यानी कि 12 घंटे का जो अपना टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक बताने वाला हूँ, बेसिक के साथ में बेसिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताऊँगा, और बेसिक का यूज़ लेते हुए हम किस तरीके से ट्रिक्स बनाएंगे और क्वेश्चन को विद सेकंड के अंदर सोल्व कर देंगे, है ना। बेसिक से क्वेश्चन आएगा उसमें भी हेल्प रहेगा, हेल्प करेगा। एंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टाइम दे करेगा उससे आपसे एंगल निकलवा लिया कि इस टाइम के अकॉर्डिंग आप बताएंगे इन दोनों सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसको हम इजीली सोल्व कर लेंगे विद सेकंड के अंदर बेसिक मैथड से। ऐसा नहीं कि ये टाइम टेकिंग होने वाला है, टाइम टेकिंग नहीं होने वाला एकदम, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला क्वेश्चन सोल्व करने के सोल्व करेंगे तब बहुत ही कम टाइम में, यानी कि 1 से 2 सेकंड या 4 सेकंड, जैसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जल्दी आपका आंसर आएगा, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो पहले हम फर्स्टली हम बात कर लेते हैं इसका जो बेसिक मेथड होगा, बेसिक मेथड क्या होता है, यानी कि बेसिक बातें क्या क्या होती है। आपने देखा होगा सभी ने क्लॉक के अंदर क्या कौन कौन सी सुई होती है, एक तो होती है घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई, आवर्स वाली सुई एंड मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई, है ना। निडल सुई, निडल बोलते हैं इंग्लिश में। तो पहले बात कर लेते हैं घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई से किस तरीके से क्वेश्चन आता है। घंटे वाली सुई यानी आवर्स वाली निडल की बात कर रहा हूँ। घंटे वाली सुई आपने देखा होगा, है ना, छोटी वाली सुई होती है घंटे वाली सुई, वैसे मैं इसको बड़ा बना रहा हूँ। अगर जैसे कि 12 पर है घंटे वाली सुई, 12 पर है तो 12 से वापस 12 पे आ जाती है। अगर 12 पर है, 12 से वापस 12 पर आ जाएगी तो कितने घंटे चलेगी, 12 घंटे चलेगी ऑब्वियसली, है ना, 12 घंटे चलेगी। 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना लेगी, यहाँ से स्टार्ट हुई वापस उसी पॉइंट पे आना जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, वापस उस पॉइंट पे आना, यानी कि 360 डिग्री रोटेट करना है, 360 डिग्री का कोण बनाना है ना, एंगल जिसको हिंदी में कोण बोलते हैं। कितने डिग्री का कोण बना लेगी, 360 डिग्री का कोण बना लेगी, कौन सी, घंटे वाली सुई। 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना लेगी। अभी तो हो गया 12 घंटे की बात, अब आपसे पूछा जाएगा कि एक घंटे में कितना डिग्री का कोण बना लेगी। तो एक घंटे में आप ही सोचो, 12 पेन है, जो 12 पेन जो हैं आपके पास में उनका रुपया है 360 रुपया, 12 पेन 360 रुपये का आ रहा है, तो एक पेन कितना का आएगा, 12 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा ना। या आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि दो पेन आप क्या है ना, दो पेन आप सोच सकते हैं कि 10 रुपये के हैं, दो पेन 10 रुपये के, तो एक पेन कितने का होगा, 5 का हो जाएगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि 10 के अंदर 2 का भाग लगाया तो आपका 5 आया। इसी तरह सेम कि 12 घंटे में 360 डिग्री है तो 360 के अंदर मैं 12 का भाग लगा दूंगा तो 1 की वैल्यू निकल आएगी ना, 1 घंटे की, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 कम 12, 12 तिया 36 और 0 ऐसे कैसे 30 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, कौन से घंटे वाले सुई, आवर्स वाले निडल, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब 1 घंटे को मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, 60 मिनट यानी कि 60 मिनट में लिख सकता हूँ, 60 मिनट में वही 30 डिग्री रहेगा, क्योंकि 60 मिनट यानी कि एक घंटे में 30 डिग्री, तो वही 60 मिनट, वही एक घंटा 30 डिग्री। अब आपसे पूछ ले कि घंटे वाले से बताएं कि 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री। अब आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि एक मिनट के अंदर बताएं एक मिनट के अंदर घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो एक मिनट का हम निकाल सकते हैं ना, जैसे हमने 12 से एक घंटे का निकाला ऐसे सेम निकाल सकते हैं हम एक मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 30 के अंदर भाग लगा देंगे 60 का, जैसे हमने 360 के अंदर भाग लगाया 12 का, ऐसे 30 के अंदर हम भाग लगा देंगे 60 का, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 डिग्री, यानी कि एक मिनट में
आधा डिग्री का कोण बनाएंगे, 2 मिनट में 1 डिग्री का, 3 मिनट में 1.5 डिग्री का, 2 मिनट में यानी कि 1 डिग्री का, 4 मिनट में 2 डिग्री का, यानी कि जितना मिनट दे रखा है घंटे वाली सुई उसका जस्ट आधा कोण बना लेती है। जैसे कि यहाँ पर 1 मिनट का आधा, 4 मिनट का 2, 5 मिनट का 2.5 एंड 10 मिनट का 5 डिग्री का कोण बना लेगी, है ना। अब आपसे ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि सेकंड के अंदर बताएं, ये मिनट के अंदर हो गया, सेकंड के अंदर पूछ सकता है। बहुत रेयर केस होगा कि सेकंड के अंदर पूछे, बट पूछ ले तो किस तरीके से करेंगे। 1 मिनट को आप लिख सकते हैं 60 सेकंड यानी कि 60 सेकंड, 60 सेकंड में वही 1/2 डिग्री का, तो 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में वही भाग लगा देंगे सेट का 1/2 का, 2 के अंदर भाग लगा दिया सेट का, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री 1/120, है ना, ये आपका हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। अगर 1 सेकंड से आपसे पूछा जाए कि 1 सेकंड के अंदर घंटे वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 1/120 डिग्री। कैसे आया, मैंने अभी आपको बताया, इस तरीके से आया। आपसे क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, SSC के अंदर पूछा गया था कि 1 मिनट में बताएं कि कितने डिग्री का कोण बना ले घंटे वाले सुई, तो आधा डिग्री। ऐसा बोल सकता है 2 मिनट के अंदर बताएं 2 मिनट के अंदर घंटे वाले सुई कितने डिग्री का कोण बना लेगी, तो आपका आंसर होगा 1 डिग्री, क्योंकि 2 का जस्ट आधा हो जाएगा ना, जितना मिनट है उसका जस्ट आधा, 1 है तो 1 का जस्ट आधा। ये बेसिक चीज़ें यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो हम क्वेश्चन आगे चल के करने वाले वो भी हम बेसिक जो चीज़ें हैं इसी से हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो सही चल रही है नहीं चल रही है, आप कमेंट करके बताएं यहाँ तक समझ में आया है। हाँ जी, कमेंट करके बताएं यहाँ तक समझ में आया है। यहाँ तक तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ जी, कमेंट करके बताएं। जी शिवम कह रहा है जी, एंड राज कह रहा है मस्त चल रहा है, गुड थैंक यू। ओके देन आगे चलते हैं, अब मिनट वाली सुई की बात करते हैं, फिर देखें ना और भी क्वेश्चन करवाएंगे किस तरीके से कितना इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पर बहुत ही रियर चांस में फॉर्मूले का यूज लेता हूँ, और फॉर्मूला भी इस तरीके से बनाता हूँ कि आप खुद को लगेगा मैंने फॉर्मूला बनाया है ना, अदरवाइज मैं फॉर्मूले से करवाता ही नहीं हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से डायरेक्ट सोल्व करवाता हूँ मैं, है ना। यहाँ पर अब बात करेंगे मिनट वाली सुई की, मिनट वाली सुई। अब देखो मिनट वाली सुई, जो मिनट वाली निडल है, इंग्लिश में निडल बोलते हैं ना, ओके इतना तो पता होगा आई थिंक। यहाँ पर मिनट वाली सुई, जैसे कि मिनट 12 पर है, मिनट वाली सुई 12 पर है, अब 12 के बाद में वापस ऐसे चलते हुए 12 पे वापस आ जाए, तो कितना मिनट का ट्रैवल किया उसने, कितना मिनट चली है वो, 12 से स्टार्ट होते हुए वापस 12 पे आ जाए तो 60 मिनट चली होगी ना, तो यानी कि मिनट वाली सुई 60 मिनट चली है। 60 मिनट के अंदर कितना डिग्री का कोण बना लेगी, वही सेम इस तरीके से, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुई है वापस इसी पॉइंट पे आ गई, कोई पॉइंट से स्टार्ट होता है वापस उसी पॉइंट पे आ जाना, 360 डिग्री का कोण बन जाता है, तो 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री का कोण बन गया, है ना। अब ऐसे ही आपसे पूछ सकता है, ये तो 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री, आपसे पूछ सकता है कि 1 मिनट के अंदर बताएं कि कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, तो 1 मिनट में, 1 मिनट का बताने के लिए क्या करेंगे, 360 में भाग लगा देंगे 60 का, यहाँ पर भाग लगाया 60 का, 0 से 0 कट गया, 6 1 6 6 6 36, यानी कि 6 1 6 6 6 36, तो कितना डिग्री का कोण बन गया, 6 डिग्री का। 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बन गया, 6 डिग्री का। आपसे पूछे 2 मिनट के अंदर 12 डिग्री का, 3 मिनट के अंदर 18 डिग्री का, 4 मिनट के अंदर 24 डिग्री का, 5 मिनट के अंदर 30 डिग्री का। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताएं 5 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 5 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये इसका मल्टीपल 5 है, तो इसका मल्टीपल 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 30 डिग्री हो जाएगा। आप इस तरीके से 1 रुपये में 6 टॉफी आती है, 1 रुपये में 6 टॉफी आती है, तो 5 रुपये में 30 टॉफी आएगी। सेम इस तरीके से 1
मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि पूरा मज़ा ले रहा है ना, टॉपिक टॉपिक इतना बेसिक बता रहा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको इतना बेसिक नहीं होता, बेसिक पता नहीं होता, तो मैं एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक लेकर चलता हूँ, हर एक स्टूडेंट को समझ में आ सके, इस तरीके से मैं यहाँ पर कंसेप्ट करवाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर एक मिनट का है, आपसे एक सेकंड के बारे में पूछ सकता कि एक सेकंड के अंदर बताएं कि मिनट वाली सुई कितना डिग्री का कोण बना लेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, एक मिनट यानी कि 60 सेकंड, एक मिनट को 60 सेकंड कह सकते हैं। 60 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बना रहा, 6 डिग्री का। तो ऐसे ही एक सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, वही भाग लगा देंगे 6 के अंदर, 60 का भाग लगाया तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 0 को ऐसे कैसे, तो आपका आ गया 1/10 डिग्री, है ना, 1/10 डिग्री, 1/10। कितने सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर, कौन सी सुई, मिनट वाले सुई। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, एक बार देख लेता हूँ, है ना, कॉमेंट पढ़ लेता हूँ। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना, ओके। यहां अब इसके बाद में जैसे क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं, पहले एक बार फिर से मैं आगे रिवाइज करवा देता हूं। घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, सेम एक घंटे के अंदर 30 डिग्री का कोण बना लेगी, है ना, क्योंकि 12 का भाग लगा दूंगा 30 डिग्री का आ जाएगा। अब एक घंटे को आप बोल सकते हैं 60 मिनट, है ना, 60 मिनट के अंदर 30 डिग्री का कोण बनाएगी, नहीं 30 डिग्री का कोण बनाएगी। सेम इस तरीके से एक मिनट के अंदर वही 60 का भाग लगा दूंगा तो आधा डिग्री आ गया। एक मिनट में आधा, दो मिनट में एक डिग्री, तीन मिनट में डेढ़, दो चार मिनट में आपका 2 डिग्री, यानी कि जितना मिनट दे रखा उसको जस्ट आधा घंटे वाली सुई को, घंटे वाली सुई कोण बनाती है, एंगल बनाती है ना। 60 सेकंड का पूछ ले तो एक मिनट यानी कि 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में आधा डिग्री, यानी कि एक मिनट में आधा डिग्री, तो 60 सेकंड में वही एक मिनट है, आधा डिग्री। तो एक सेकंड के अंदर कितना बन जाएगा, 60 का भाग लगा दूंगा 120 डिग्री, एक सेकंड के अंदर, कौन सा घंटे वाली सुई, है ना। देन इस तरीके से मिनट वाली सुई 60 मिनट, एक चक्कर पूरा 60 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में 60 मिनट ली, 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री बना ली। सेम इस तरीके से एक मिनट में कैसे आएगा, एक मिनट में इसका भाग लगा दूंगा 360 डिग्री के अंदर, 6 डिग्री आ गया। तो अगर 5 मिनट का पूछेगा, 2 मिनट में आपका 12, है ना, इसी तरीके से 5 मिनट में आपका 30 डिग्री। अगर सेकंड की बात करेगा तो एक मिनट यानी कि 60 सेकंड, 60 सेकंड में 6 डिग्री, 60 सेकंड में 6 डिग्री, तो एक सेकंड में क्या हो जाएगा, 60 का भाग लगा दूंगा तो 1/10 आ जाएगा। अब इससे जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। पहले मैं यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं है, ये भी क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे पूछ लेगा 5 मिनट के अंदर बताएं कि मिनट वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो आपका आंसर होगा 30 डिग्री, 6 मिनट के अंदर 36 डिग्री, है ना, इस तरीके से, ओके। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है अपना टीचिंग चैनल, है ना, एंड सेम ही अपना टीचिंग चैनल नाम से ही अपना यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर बहुत सारे ढेर सारे वीडियो हैं और काफ़ी बेसिक तरीके से आराम आराम से आपको समझाया गया है, ट्रिक के साथ में बताया गया, बेसिक मेथड बताया गया, सब कुछ, है ना, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वीडियो ख़त्म होने के बाद में आप अगर इंस्टाग्राम पे है तो यूट्यूब भी एक बार चेक कर लेना, यूट्यूब पे है तो इंस्टाग्राम पे भी चेक कर लेना। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो भी आती रहती है, वीडियो आगे कंटिन्यू चलेगी, ऐसा नहीं कि स्टॉप कर देना, आप बंद मत करके चला जाना। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ वो इसलिए कि जैसे हम इंस्टाग्राम चला रहे थे हमें पता नहीं होता टाइम वेस्ट कितना हो गया, और उस टाइम के बीच में अगर हमें हमारी कोई एजुकेशन की एक दो वीडियो आ जाती है तो एक दो क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं और वही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है, कितनी हेल्पफुल हो जाता है ना, वो टाइम वेस्ट ना हुआ, वहाँ पर टाइम इन्वेस्ट हो गया, है ना बेटा, सॉरी मुझे बेटा कहने की आदत सी हो गई ना, दोस्त जो भी फ्रेंड हो, ठीक है, घंटे वाली सुई इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि आपसे, कि जैसे आपसे पूछ ले कि 2 बज कर के, अब जैसे 50 मिनट हो रही है लगभग, 2 बज कर के 50 मिनट पर, 2 बजकर 50 मिनट पर मिनट वाली सुई डायरेक्ट आपसे पूछ ले 2 बजकर 50 मिनट पर
2 बजकर 50 मिनट पर दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कौन बनेगा कितना पूछा गया आपको, कितना बोला गया 2 बजकर के 50 मिनट, कितना 2 बजकर के 50 मिनट, ये आपको टाइम दिया गया है ना। 2 बजकर के 50 किस तरीके से बजेगा घड़ी के अंदर, देखो 2 बजकर के 50 मिनट, पहले मैं 50 मिनट बना रहा हूँ, 50 मिनट लगभग यहाँ पर होगा, सेम फिक्स 10 के सामने होगा है ना, ये कौन सी मिनट वाली सुई है। अब 50 मिनट चली है ना, 50 मिनट हुई है तो घंटे वाली सुई 3 के आसपास हो जाएगी ना। देखो 2 बजता है तो सेम जो घंटे वाली सुई है फिक्स 2 पर होती है, मिनट वाली सुई 12 पर होती है। जैसे जैसे मिनट आगे चलती रहती है फिर ऐसे घूम करके 12 पर पहुंचती है, तो घंटे वाली सुई थोड़ा थोड़ा घूमते हुए 3 पर पहुंच जाती है। तो ऐसे सेम 2 बजकर के 50 मिनट हुई है, तो यानी कि 2 से ज़्यादा चल चुकी होगी, लगभग 3 के आसपास आ गई होगी है ना, यानी कि यहाँ पर हो गई होगी, यहाँ पर आ गई होगी 2 बजकर के 50 मिनट है ना, लगभग यहाँ पर आ गई। ये कौन सी घंटे वाली सुई, आवर्स वाली सुई है। अब 2 बजकर के 50 मिनट, पहले मिनट वाली सुई को देखें, मिनट वाली सुई 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री का कोण बनाती, अभी हमने पढ़ा 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 50 मिनट के अंदर 6 से गुणा कर दूंगा, 6 × 5 = 30, 300 डिग्री है ना मिनट वाली सुई। घंटे वाली सुई हमने पढ़ा अभी कि 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का कोण बनाती है, घंटे वाली सुई 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का, तो सेम 2 घंटे के अंदर 60 डिग्री का बना लेगी, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। अब साथ में ये और इसमें ध्यान रखना, घंटे वाली सुई 2 घंटे से एक्स्ट्रा और चली है, 2 घंटे तो चली है, 2 घंटे से आगे भी आएगा ना, क्योंकि 50 मिनट हो गए मिनट वाली सुई आगे चली है, तो ये भी आगे चली होगी, तो ये और एक्स्ट्रा एंगल बनाएगी, एक्स्ट्रा कोण बनाएगी। एक्स्ट्रा कोण कितने बनाएगा, क्योंकि ये भी 50 मिनट चली है, घंटे वाली सुई 50 मिनट चली है, तो इतने पर आई है ना, यहाँ से यहाँ तक आ गई 50 मिनट। तो मैंने आपको बताया घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का, जितना मिनट दे रखा है उसका जस्ट आधा होता है ना, तो यहाँ पर जो मिनट है कितना है 50 है, 50 का जस्ट आधा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 डिग्री और एक्स्ट्रा चलेगी, बस इसको ऐड कर लेना है और इसका डिफरेंस निकाल लेना, आंसर आ गया 300/85, घटाएंगे 0 में से 5 नहीं जाएगा, 1 से ली तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 10 में से 5 किया तो 5, यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 में से 8 किया तो 1, और ये इसको असल दे दिया था तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 215 डिग्री। कितना 215 डिग्री, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, 2 बजकर 50 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच आपसे कौन पूछा है, 2 बजकर 50 मिनट, मिनट वाली सुई 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 50 मिनट के अंदर गुणा कर दूंगा 6 से, 300 डिग्री आ जाएगा। सेम इस तरीके से घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 2 घंटे में 60 डिग्री का कोण बना लेगी है ना, और साथ में 50 मिनट और चलिए ना, क्योंकि वो 50 मिनट मिनट जितना चलती है तो घंटे वाली सुई थोड़ा बहुत आगे चलती है ना, तो 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री चलती है, तो 50 मिनट में कितना चल जाएगी, 50 का आधा यानी कि 25 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़ लिया 85 आ गया, 85 आ गया। अब 300 में से 85 मैंने लेस किया यानी कि 85 घटा दिया, तो आपके पास में आ गया 215 डिग्री, तो आपका आंसर हो जाएगा 215 डिग्री। 215 डिग्री कौन सा आया, वो ये वाला आया 215 डिग्री है ना, 215 डिग्री आ गया। अगर आपको ऑप्शन में 215 ना हो, तो मैंने आपको बताया कि पूरा रोटेट होने पर 360 डिग्री, तो बाकी का बचा हुआ ये भी एंगल होगा ना, ये भी एक एंगल है, पूरा 360 डिग्री है, तो बाकी का बचा हुआ, तो आपको क्या करना है, 360 डिग्री में से 215 डिग्री घटा देना है, यहाँ पर आ जाएगा 5, इसको कैरी दे दी थी, यहाँ पर 5 में से 1 गया तो 4, और यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1, तो आपका आंसर होना चाहिए 145 डिग्री, 145 डिग्री, या 215 आपका आंसर मिलेगा या 145 डिग्री आपका आंसर मिलेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा है ना, एक बार इसको नोट कर ले।
सर 180 डिग्री से ज़्यादा है तो 360 डिग्री होगा। नहीं ऐसा नहीं है, 180 डिग्री से ज़्यादा है तो 360 डिग्री। जो आपने मेथड पढ़ा ना वो मेथड नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, मैं शॉर्टकट से बता रहा हूँ ना, ये हर किसी में अप्लाई होगा। आई थिंक जो आपने पढ़ा है ना वो ट्रिक्स पढ़ा हुआ है, ये ट्रिक्स नहीं चल रही भैया। सर बिजी इन टाइम क्वेश्चन जी, ट्यूनिंग 145 डिग्री बिल्कुल राज ने निकाला भी है। सर मुझे हिंदी लिटरेचर के क्वेश्चन समझ नहीं आते, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ सर, मैं जानता नहीं। हाँ आप देख लेना फिर से वीडियो को, है ना, मैं कमेंट अपडेट कर रहा हूँ, आप फिर से वीडियो देख लेना, मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगा। हाउ मार्कर राइटिंग लाइक इट, थैंक यू। ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं आगे ना, और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया, अब आपसे कोई भी टाइम दे तो आप इजीली इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपसे इस तरीके से बोल सकता है जैसे कि 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 4:40 है ना, 4:40। देखो टाइमिंग कैसे हो जाएगा 4:40, आप कोई क्लॉक बना के नहीं देखना घर उस पर एग्जाम के अंदर, आपको डायरेक्ट सोल्व करना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर 4:40, 40 मिनट फिक्स 8 पर होगा है ना, 4:40 हुआ तो 40 मिनट हुआ तो जो घंटे वाली सुई है वो 4 से अबव होगी, यानी कि 4 से ज़्यादा होगी, 4 से आगे चली गई होगी। ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, क्योंकि मिनट के अकॉर्डिंग वो चलेगी ना, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुई है वापस 12 पे आ जाएगी तो 4 से 5 तक पहुँच जाएगी वापस, तो यानी कि जितना मिनट चलती रहेगी थोड़ा थोड़ा घंटे वाली सुई भी चलती है, है ना। तो इस तरीके से 4:40 से आपसे पूछा गया है, 4:40, तो आपको क्या करना होगा वही शॉर्टकट 1 मिनट में मैंने अभी बेसिक बताया। अगर जो स्टूडेंट न्यू ऐड हुआ है यानी कि जो नया जिसने अभी ज्वाइन किया है, जो मतलब जस्ट पीछे नहीं देखा है तो वीडियो ख़त्म होने के बाद उसको देख लेना, फिर समझ में आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ देखें इस तरीके से, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 40 मिनट में गुणा कर दूंगा 6 से, तो 6 × 24 240 डिग्री हो जाएगा। घंटे वाली सुई 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 4 घंटे में मल्टीपल कर दूंगा 30 से, तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अब इसके साथ में घंटे वाली सुई ये और ध्यान रखना, 40 मिनट जो हुआ है ना 40 मिनट और एक्स्ट्रा चलती है ना, 40 मिनट और एक्स्ट्रा चलती है, तो घंटे वाली सुई 4 फिक्स हुई यहाँ पर होनी चाहिए, बट 40 मिनट और चली है तो आगे और सरक गई है तो कितना चली है, 1 ही मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री चलती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 40 मिनट में 40 का आधा यानी कि 20 डिग्री कितना हो जाएगा, ये 140 हो गया और ये 240, बस इसका अंतर ले लेना, आपका आंसर हो जाएगा 240 - 140 कितना जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री, कितना हो जाएगा 100 डिग्री। अगर आपको ऑप्शन में 100 डिग्री ना मिले तो आपका आंसर क्या होगा, 360 डिग्री के अंदर से घटा देना 100 डिग्री, तो आपका आंसर हो जाएगा 260 डिग्री। ओके कौन सा 100 डिग्री हो गया, ये हो गया 100 डिग्री और बाकी का बचा हुआ 260 डिग्री ये वाला हो जाता है, 260 डिग्री है ना, इस तरीके से निकाला जाता है। ओके एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क नहीं, यहीं पर क्लास वर्क समझो, जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ कि 3:40 पर बताएं, 3:40 पर बताएं कितने डिग्री का कोण बनेगा 3:40 पर, जल्दी से निकाल के बताएं, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो ये भी आ रहा होगा, जल्दी से आंसर बताएं 3:40 पर।
राज आंसर ठीक कर रहा है। इसका आंसर बताएं जल्दी से। ऑफिशियल सीएम बता रहा 130 डिग्री, राज का 130 डिग्री आ रहा है। और किसी का? गुड, अभी चेक करते हैं क्या करेंगे। वही अपना मेथड रहने वाला है, एक मिनट के अंदर 6 डिग्री मल्टीपल 6 कर दूंगा, ये हो जाएगा 6 चौका 24, 240 डिग्री। सेम इसको मल्टीपल करूंगा 30 से, क्योंकि एक घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का, तो 3 घंटे में 30 से गुणा कर दूंगा 90 डिग्री का, और प्लस कर दूंगा घंटे वाली सुई 40 मिनट और एक्स्ट्रा चलेगी, तो 40 मिनट के अंदर एक मिनट के अंदर आधा डिग्री, तो 40 मिनट के अंदर 40 का आधा यानी कि 20 डिग्री है ना। तो ये टोटल हो जाएगा 110। अब इन दोनों को बस घटा लेना, 240 माइनस 110 क्या जाएगा 130 डिग्री। गुड गुड गुड, है ना, आपका आंसर ठीक है 130। या आपको क्या करना होगा, 130 आंसर ना आंसर ऑप्शन के अंदर ना मिले तो 360 डिग्री में से घटा देना। 360 डिग्री में से घटा देते हैं 130, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2, 230 आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलो, यहाँ पर तो आपसे इस तरीके से दे रखा है, आपको कंडीशन में दे सकता है कि आप बताए घंटे से मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, वो हो जाएगा कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से आंसर आएगा देखो, टाइमिंग यही दे रखा हूं 3:40 पर 3 बजकर, चलो 3 बजकर ना करके यहां पर मैं कर लेता हूं 2 बजकर, 3 का तो अभी कर लिया ना, 2 बजकर, और यहाँ पर मिनट पूरा टाइम ना लेकर के 25 कर देता हूँ, 25 मिनट पर। घंटे व मिनट वाली सुई के बीच यहाँ पर स्पेशल मेंशन कर दिया, घंटे व मिनट वाली सुई के बीच में, अभी हम जो निकाल रहे थे वो निकाल रहे थे दोनों बीच के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब यहां पर स्पेशल मेंशन कर दे घंटे व मिनट वाली सुई के बीच में, कितने डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, कोई बता सकता है इसका आंसर। दो बज करके 25 मिनट पर देखते हैं, आंसर तो सही आना चाहिए पहले से एक बार। 2:25 पर घंटे में मिनट वाले सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहां पर स्पेशल मेंशन कर दिया या स्पेशल यहां पर कंडीशन ऐड कर दी, तो बताएं। जल्दी से आंसर बताएं, ओके चलो देखते हैं। यहाँ 2:20 आपको दे रखा है, 2:20 पर घंटे व मिनट वाले सुई के बीच में, तो पहले आप जिस तरीके से निकालते उस तरीके से सेम निकालना है। 25 मिनट दे रखा है ना, हाँ 25 मिनट, 2:25 पर आपसे पूछा है मिनट वाली सुई एक मिनट के अंदर 6 डिग्री, तो मल्टीपल कर दूंगा 6 से, तो 25 मिनट के अंदर कितना डिग्री का हो जाएगा, गुणा कर 6 से, तो आपका आ जाएगा 150 डिग्री, है ना। घंटे वाली सुई एक घंटे के अंदर 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 2 घंटे के अंदर 60 डिग्री का कोण बना लेगी, गुणा कर दूंगा 30 से, 60 डिग्री आ गया। अब इसके बाद में यहाँ पर और एक्स्ट्रा ये ऐड करना है, यहाँ पर 25 मिनट और चली है, तो 25 मिनट और चलेगी यानी कि घंटे वाली सुई थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगी, जैसे कि 25 पर मिनट वाली सुई है, ये आपको एग्जाम में बना के नहीं देखना, जो क्लॉक में आपको दिखा रहा हूँ, अब डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। तो
लगभग यहाँ पर हो जाएगी घंटे वाली स्विंग, यानी कि दो से थोड़ा आगे चले जाएगी, यानी दो से आगे चलेगी तो और एक्स्ट्रा एंगल बनाना। एक्स्ट्रा एंगल क्यों बना, क्योंकि 25 मिनट टाइम और एक्स्ट्रा हो गया, 2 बजे होता है तो फिक्स 2 पर होती है, बट यहाँ पर 25 मिनट, 2:25 चलिए तो घंटे वाली सुई भी चलेगी थोड़ा सा आगे, तो आगे कितना चला, आगे कितनी चलेगी, 1 मिनट के अंदर घंटे वाली सुई चलती है आधा डिग्री, तो 25 का आधा कितना हो जाएगा, 25 का आधा हो जाएगा 12.5 डिग्री, 12.5 डिग्री है ना। अब इसको ऐड कर लूँगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 7, और इसका डिफरेंस निकालेंगे आंसर आ जाएगा 150-72.5। यहाँ पॉइंट नहीं है तो पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, 0 लगा देंगे, इसको यहाँ पर कैरी लेंगे, इसके पास में नहीं है तो यहाँ से लेंगे, ये इसके पास में 10 हो जाएगा, फिर ये इसको दे देगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 में से 5 सॉरी यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, यानी कि 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 2 गया 2, 7, और यहाँ पर आपका बचा 4, और ये 14 हो गए, 14 में से 7 गए तो आपके क्या बचेगा 7, सॉरी मैंने कहाँ पर गलती कर दी, हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो ठीक है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे 77.5 डिग्री। अब 77.5 डिग्री जो आया है वो घंटे से मिनट के बीच में आया, मिनट से घंटे के बीच में आया, तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना जब भी आप क्वेश्चन करें तो 2:25, तो सबसे पहले 12 से चल रहे हैं तो 2 पहले आएगा, फिर 25 मिनट माइंड के अंदर सोच लेना, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, 25 मिनट 25 दो से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा पर होगी, तो सबसे पहले घंटे वाली सुई आई है, फिर क्या आई है, मिनट वाली सुई आई है। तो इस तरीके से जो अपना ये जो एंगल आया ना वो ये आया है, घंटे व मिनट के बीच का ही आया है, क्योंकि सबसे पहले घंटे वाली सुई आई है फिर मिनट वाली सुई आई है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 360 डिग्री में से घटाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर फिक्स हो गया, यहाँ पर आपको कंडीशन फिक्स दे रखी है घंटे व मिनट के सुई के बीच में। अगर आपसे पूछता कि मिनट व घंटे के बीच में, यहाँ पर घंटे व मिनट के दे रखा है, अगर इसका जस्ट अपोजिट होता कि मिनट व घंटे के बीच में बताएं कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपका जो आंसर आया ना फिर उसके अंदर क्या करते हैं 360 डिग्री में से घटा देते हैं, 360 डिग्री में से घटा देते जो आता वो आपका आंसर हो जाता। किसको घटाते हैं, 77.5 डिग्री को घटा देते हैं। कब घटाते हैं, जब आपसे पूछा जाता है कि मिनट व घंटे वाले सुई के बीच में, यहाँ पर आपसे पूछा है घंटे व मिनट वाले सुई के अंदर, आपने देखा जब आप देखते हैं 2:25 पहले आता 2 यानी घंटे वाली सुई आएगी, फिर आता है 25 यानी कि मिनट वाली सुई आएगी, तो घंटे व मिनट का पूछा सबसे पहले, वही आपका सेम आ रहा है, पहले घंटे व मिनट आ रहा है, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 77.5 डिग्री, 77.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर मैं, 4:20 पर मिनट व घंटे वाली सुई, चलो इसको घंटे व मिनट के अंदर रहने दो, घंटे व मिनट के बीच में सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 4:20 पर घंटे व मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपके आपको सोल्व करना, जल्दी से कमेंट करके बताएं। जिसको भी आ रहा है ना, जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं तो ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा इसी के ऊपर, इसी अपना टीचिंग चैनल के पेज के ऊपर है ना, इंस्टाग्राम अकाउंट जो अपना टीचिंग चैनल के नाम से है, एंड यूट्यूब चैनल भी अपना टीचिंग चैनल के नाम से है, तो फिर वो आप स्टार्टिंग से देख लेना, आपको आराम से क्लियर समझ में आ जाएगा, जो न्यू स्टूडेंट जो भी ज्वाइन हो रहे हैं उसके लिए है, है ना। ओके अब चलो मैं करवाता हूँ, 4:20 पर घंटे पर मिनट वाली सुई, 4:20 20 मिनट यहाँ पर ना करके आप कर लो, 10 मिनट आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगा ना, 40 पे भी निकल आएगा, जितना टाइम बोलेगा उतने पे निकल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4:10 मिनट वाली सुई फिक्स 2 पर हो गई,
मिनट वाली सुई फिक्स 2 पर होगी, और घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी? आपकी होगी 4 पर, यानी कि 4 से थोड़ा सा आगे, क्योंकि 10 मिनट चल चुके ना, घंटे वाली सुई 10 मिनट और चली है, 4 से 4 बज करके 10 मिनट, तो यानी कि यहाँ पर लगभग यहाँ पर हो गई। ऐसा कैसे हुआ? ये थोड़ा सा आगे क्यों किया? क्योंकि अगर 4 बजे होते तो 4 ये फिक्स 4 पे होते और ये होता 12 पर, है ना? अब दिखाई दे रहा है, क्लियर? आई थिंक अब क्लियर दिखाई दे रहा है ना। ओके, देखो 4 बजकर 10 मिनट पर घंटे में मिनट वाली सुई के बीच में आपसे पूछा गया है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा 4 बजकर के 10 मिनट पर, है ना? अगर फिक्स 4 बज रहे होते तो ये घंटे वाली सुई फिक्स 4 पर होती, 12 पर मिनट वाली सुई होती। अब मिनट वाली सुई जैसे जैसे वापस ऐसे रोटेट होते हुए वापस 12 पर पहुँचेगी, तो घंटे वाली सुई 5 पर आ जाएगी, है ना? 4 से 5 पर आ जाएगी, यानी कि पूरे 1 घंटे कंप्लीट होने पर। तो इसका मतलब ये हो गया, जितना मिनट चल रही है तो घंटे वाली सुई भी थोड़ा थोड़ा रोटेट हो रही है, आगे चल रही है। तो सेम इसी तरीके से हमें अब इसको सोल्व करेंगे, 4 बजकर के 10 मिनट, तो जो मिनट वाली जो घंटे वाली सुई है 4 से थोड़ा सा आगे चलेगी। क्यों क्यों चलेगी? क्योंकि 10 मिनट हो चुका है, 10 मिनट के अंदर वो घंटे वाली सुई भी थोड़ा सा आगे चलेगी, है ना? 4 बजकर के 10 मिनट, तो मैंने जो अभी बताया कि 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनता है, 1 मिनट के अंदर मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 मिनट के अंदर कितना का बना लेगी? 6 से गुणा कर दूंगा, 60 डिग्री का कोण बना लेगी। सेम इस तरीके से कि जो घंटे वाली सुई है 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 4 घंटे के अंदर 30 से मल्टीपल कर दूंगा, गुणा कर दूंगा 30 से, तो आपका आ जाएगा 120 डिग्री। अब 120 डिग्री के अंदर आपको ऐड करना है कि 10 मिनट और चली है ना ये, क्योंकि 4 से थोड़ा सा आगे चली गई, तो घंटे वाली सुई यानी कि 10 मिनट और आगे चली है, तो घंटे वाली सुई 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 मिनट में 10 का आधा यानी कि 5 डिग्री का कोण और बना लेगी, तो कितना हो गया? ये हो गया 125 यानी कि 125 और ये 60। बस अब इसका डिफरेंस ले लेना है, इसका डिफरेंस लिया कितना आ गया, इसका डिफरेंस लेने पर यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, है ना? तो 55 डिग्री। अब 55 डिग्री जो आया है ना, वो आपका आंसर आ गया क्या? देखते हैं आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। यहाँ पर आपको कंडीशन मेंशन कर रखी है कि 4 बजकर 10 मिनट पर घंटे व मिनट वाली सुई के बीच में बताना है, घंटे व मिनट वाली सुई के, आपके माइंड के अंदर आना चाहिए 4 बजकर के 10 मिनट, मिनट वाली सुई पहले पर पहले होगी, क्योंकि 10 मिनट यानी कि 2 पर होगी, और 4 घंटे वाली सुई 4 पर होगी, तो सबसे पहले जो क्या होगा मिनट पे होगी, फिर घंटे पे होगी। तो जो अपना जो निकल के आया ना, वो मिनट से घंटे के बीच में आया है, कौन किसके बीच में, पहले मिनट वाली सुई है फिर घंटे के, घंटे वाली सुई है, तो अपना जो कौन निकल के आया वो मिनट से घंटे के बीच में आया। अगर आपसे पूछता है यहाँ पर मिनट से घंटे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता, तब तो आपका आंसर होता है 55 डिग्री। बट यहाँ पर आपसे अपोजिट पूछा गया कि घंटे व मिनट के बीच में सुई, दोनों सुइयों के बीच में कोण बताना आपको, घंटे व मिनट के बीच में। तो आपको पता है पूरा डिग्री, पूरा कितना होता है, ये 360 डिग्री होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी बच रहा होगा, 360 डिग्री में से 55 डिग्री का डाल दूंगा, तो बाकी का बचा हुआ यहाँ घंटे से मिनट वाले के बीच में आ जाएगा, तो 360 डिग्री के अंदर मैं घटा दूंगा 55 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने घटाया तो यहाँ पर आ गया 5, और यहाँ पर इसको कह दी थी 5 में से 5 गया 0, और यहाँ 3, यानी कि आपका आंसर जो होगा वो होगा 305 डिग्री। क्या होगा? 305 डिग्री, ना कि 55 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाता कि मिनट व घंटे के बीच में, तो आपका आंसर होता 55 डिग्री। यहाँ पर आपसे पूछा है घंटे व मिनट के बीच में, तो आपका आंसर आया 305 डिग्री। ओके, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, अब एक क्वेश्चन आपको करना है, ये आपके लिए खुद के लिए होमवर्क रहेगा या क्लास वर्क जो भी समझे, है ना? तो अब आपको बताना है यहाँ पर पांच बजकर के 50 मिनट पर घंटे में मिनट वाली सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको कमेंट द्वारा बताना है इसका आंसर। ओके, इसका आंसर आप कमेंट द्वारा बताएं। और अभी जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं,
मैं आपको बता दूं, वीडियो समाप्त होने पर जा रही है ना। हाँ, तो आपके लिए होमवर्क है या क्लास वर्क है, आपको इसको आंसर बताना है। जो न्यू स्टूडेंट है, इस ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो अपलोड करके जो अपलोड की हुई है उसके अंदर आप देख लेना, स्टार्टिंग से लास्ट तक काफ़ी जी तरीके से हमने पढ़ा है, आपको पूरा समझ में आने वाला है। आई होप आपको को पूरा समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, है ना, इतना तो बनता है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना, नहीं लग रही तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, एज यू विश, ओके। और इंस्टाग्राम पे हैं तो फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पे हैं, और वीडियो चाहते हैं यूट्यूब चैनल भी अपना टीचिंग चैनल के नाम से, अपना टीचिंग चैनल, और आपका जो इंस्टाग्राम है वो भी अपना टीचिंग चैनल के नाम से है ना। अगर आपको बेस्ट लग रहा है या वीडियो बेस्ट लग रही है और वीडियो चाहिए तो आप इसको फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज जैसा भी आपको उचित लगे। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।